नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम आपका डीपी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आने वाली परीक्षा को देखते हुए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम उद्यान से और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, जितने भी कृषि से रिलेटेड जितने भी यंत्र और उपकरण हैं दोस्तों, उन पर हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने एक टॉपिक पर डिस्कस किया था, जुताई और बीज सैया तैयार करने वाले यंत्रों पर। दोस्तों आज हम उसी का सेकेंड पार्ट हम लेके आए हैं। इसमें हमने, क्योंकि कमेंट के जरिए आप लोगों ने बोला कि उद्यान वानिकी के औजार और कृषि यंत्रों पर जो है आप डिस्कस कीजिए, तो हम दूसरा वीडियो जो है 0.9 जो हमने कल बोला था कि उद्यान वानिकी और औजार एवं कृषि यंत्र पर जो है हम आज डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। अगर आपने पुराना वीडियो हमारा नहीं देखा, यानी कि इसका पार्ट वन नहीं देखा, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा। और चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों कृषि कार्य के अंतर्गत फलदार वृक्षों और फूल वाले पौधों की खेती का विशेष महत्व होता है। बाग बगीचों की सुंदरता और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए इन वृक्षों या पौधों की समय समय पर जो है कटाई और छटाई करना आवश्यक होता है। तो दोस्तों इसके उपयोग के लिए जो है कुछ यंत्रों की, कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो आज हम बात करेंगे उद्यान वानिकी के औजार और कृषि यंत्रों की, जिनका उपयोग जो है इन विभिन्न कार्यों में किया जाता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ट्री प्रूनर की, ठीक है। तो ट्री प्रूनर की बात करेंगे तो यह यंत्र जो होता है दोस्तों मानव हस्तचालित उपकरण है, ठीक है, यानी कि इंसान के द्वारा इंसानों के हाथ से चलाए जाने वाला ये एक उपकरण है। इसमें स्प्रिंग लगा कटिंग ब्लेड और सॉकेट होता है, ठीक है। और जो दोस्तों ये जो होता है एक रस्सी से टंगा हुआ होता है, एक रस्सी से जुड़ा हुआ होता है। अब जब काटने की जब प्रोसेस होती है तो उस समय रस्सी को खींच कर इस ब्लेड को झटके से रस्सी खींचती है, तो ये जो है झटके से ही टहनी को काट देती है। इसकी कटाई क्षमता की हम बात करें तो इसमें 2 सेंटीमीटर व्यास की टहनी काटने की इसकी क्षमता होती है दोस्तों। और इसके उपयोग की बात करें तो उद्यान के वृक्षों की अनचाही टहनियाँ, जिससे हवा और प्रकाश पहुँचने में बाधा उत्पन्न होती है, या फिर इच्छित आकार देने के लिए, यानी कि आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार की कटिंग जो है पेड़ों को दी जाती है। जैसी आप कटिंग उसमें देना चाहे अपनी अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं, तो उसके लिए जो है ट्री प्रूनर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसको आप जो है हम जो भी यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे आप उसे चित्र के माध्यम से भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है, आप पहचान सकते हैं। तो कुछ कॉमन सी हमने जो है इसमें पॉइंट नोट कर रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लगे हैं वही हमने इस पर नोट करें। ज़्यादा हमने वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाने की कोशिश की है दोस्तों, ठीक है। तो अगला हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे दोस्तों चैन सॉ की, ठीक है। दोस्तों यह हल्का और पोर्टेबल यंत्र होता है, काफ़ी हल्का और पोर्टेबल यंत्र होता है, और 1.6 किलोवाट विद्युत मोटर या फिर पेट्रोल से चलाई जाने के कारण इसे पावर शॉ भी कहा जाता है, ठीक है। तो पावर शॉ भी इसे कहा जाता है क्योंकि ये 1.6 किलोवाट विद्युत मोटर या फिर पेट्रोल से चलाए जाने के कारण इसे पावर शॉ कहा जाता है। और इसके वजन की बात करें तो 3.9 किलोग्राम इसका वजन होता है। और इसके कार्य क्षमता की हम बात करेंगे 40 सेंटीमीटर कटिंग लेंथ इसकी होती है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर कटिंग लेंथ इसकी होती है। और इसके उपयोग की बात करें तो पेड़ों की सूखी या रोगग्रस्त या मरी हुई मृत टहनियों को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद ये प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं, देखिए चैन शॉ का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये किस लिए उपयोगी होता है, या इसकी कार्य क्षमता कितनी होती है, इसका वजन कितना होता है, या ये किससे चलाया जा सकता है, हाथ से चलाया जाने वाला यंत्र है या कैसा यंत्र है, और या फिर ये कितने किस मतलब विद्युत से चलाया जा सकता है, पेट्रोल से, डीजल से, या फिर किस ईंधन से ये चलाया जा सकता है, इस तरह से इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस दृष्टि से जितने भी हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लगे दोस्तों हमने इसको पॉइंट वाइज कर रखा है, नोट किया हुआ है। तो दोस्तों इसमें हम आगे बात करेंगे 3 नंबर पे हे शेयर की, ठीक है। तो हे शेयर की बात करें दोस्तों इसमें तो ये भी एक हस्तचालित कृषि औजार है, ठीक है, ये आपने देखा होगा कई बार। इसकी बनावट की हम बात करेंगे, कैंची के सामान होता है, ठीक है, कैंची के ही सामान ये इसकी बनावट होती है। दोस्तों इसकी ब्लेड्स जो होती है हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील या फिर अलवा स्टील की बनी होती है, ठीक है, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है इसकी ब्लेड्स। और ब्लेड्स की लेंथ की हम बात करें तो 150 से 300 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है ब्लेडों की। और इनकी थिकनेस की बात करेंगे तो 8 मिलीमीटर इनकी थिकनेस लगभग होती है। और ब्लेड एंगल की बात करें तो 30 से 90 डिग्री की तक इनके इनका ब्लेड एंगल होता है। दोस्तों इसके उपयोग की बात करेंगे हे शेयर की का क्या उपयोग है, तो आपने देखा होगा बाग बगीचों में उगी झाड़ियों को या बड़ी हुई घास और
कटाई छटाई में या फिर छोटे छोटे पौधों को इनको जो है सुंदरता बनाने में, घास की कटिंग करने में, इन चीज़ों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा, इसे हेज शेयर कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आगे नंबर 4 पे हेज ट्रिमर की। ठीक है, तो हेज ट्रिमर की बात करें दोस्तों, तो इस यंत्र में एक कटर बार होता है। ठीक है, इस यंत्र में जो है एक कटर बार लगा होता है जिससे लगे दो सेट होते हैं जिसे रेसिप्रोकेटिंग ब्लेड्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये आगे पीछे चलने वाली होती हैं ये ब्लेड्स। ठीक है, तो इसके पावर की हम बात करेंगे, इसमें 400 वाट शक्ति के इंजन या मोटर द्वारा इसे चलाया जा सकता है। और हैंडल में इसमें ट्रिगर स्विच लगा होता है जिसके माध्यम से इसको मशीन को चलाना जो है काफ़ी आसान होता है। उस ट्रिगर के माध्यम से आप मशीन को ऑन या ऑफ या अपनी इच्छा के अनुसार उसको संचालित कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी बात करेंगे, वजन की बात इसकी करें तो दोस्तों इसका वजन होता है 2.4 किलोग्राम, लगभग हम कह सकते हैं कि 2.5 किलोग्राम इसका वजन होता है हेज ट्रिमर का। अब इसकी ब्लेडों की लंबाई लगभग 51 सेंटीमीटर इसकी ब्लेडों की लंबाई होती है। और इसके उपयोग की हम बात करेंगे तो फाइनली काफ़ी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर है, तो ये झाड़ियों के कांटेदार टहनियों और अनचाही लंबी घास को काटने एवं बगीचों को सुंदर बनाने में इसका काफ़ी प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये कांटेदार झाड़ियों आप चित्र में देख सकते हैं इसको, किस तरह की ये मशीन है और ये किस उपयोग में आती है। झाड़ियों, कांटेदार टहनियों, अनचाही लंबी घास को काटने एवं बगीचों को सुंदर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे गड्ढा खुदाई यंत्र की। ठीक है, तो दोस्तों गड्ढा खुदाई यंत्र यानी कि पोस्ट होल डिगर की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो यह यंत्र जो होता है ऑगर युक्त यंत्र होता है। ठीक है, तो इसको जो है दोस्तों ट्रैक्टर के पीएटीओ द्वारा संचालित इसको किया जाता है। तो ऑगर असेंबली को बदलकर गड्ढे के व्यास और गहराई को बदला जा सकता है। हमको जिस आकार का गड्ढा चाहिए, जितने व्यास का गड्ढा चाहिए और जितनी गहराई का हमको गड्ढा चाहिए, ऑगर की असेंबली को हम बदल सकते हैं, उसको हम सेट कर सकते हैं। हमको किस मात्रा में गड्ढा चाहिए, कितने व्यास का गड्ढा चाहिए और कितनी गहराई का हमको गड्ढा चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको ऑगर को सेट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये गड्ढा तैयार करके हमको देता है दोस्तों। इसके वजन की हम बात करें तो 150 से 240 किलोग्राम तक इसका वजन होता है। और इसके संचालन की हम बात करें तो इसमें 35 HP ट्रैक्टर से इसको संचालित किया जा सकता है, यानी कि 35 हॉर्स पावर ट्रैक्टर से इसको चलाया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी क्षमता की। बात करें तो इसमें 90 गड्ढे प्रति घंटा बनाने की इसकी क्षमता है दोस्तों। ठीक है, 1 घंटे में 90 गड्ढे तैयार कर सकता है, इसकी क्षमता है। और इसके उपयोग की बात करें तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे इसका क्या उपयोग है। तो दोस्तों पौधा लगाने के लिए, इसमें गड्ढा खोदने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पौधा लगाने और गड्ढा खोदने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज इतना ही आज की वीडियो में, और हमने आज की वीडियो में चर्चा की हॉर्टिकल्चर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। आप अपनी प्रतिक्रिया हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और सुझाव अगर आपका हो तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम पर डे जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड स्टडी मटेरियल अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। बाकी लेटेस्ट जो भी न्यूज़ होती है, जॉब से रिलेटेड होती है और या फिर कोई भी एप्लीकेशन से रिलेटेड होती है, तो हम उसे शेयर आपसे जरूर करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपडेट्स पाने के लिए आप जो है नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।